दोस्तों आज जो मैं बात बताने वाला हूं वो ये है कि मान लीजिए आप इस कंपनी में वर्क कर रहे हैं और आपने इस कंपनी के बहुत सारे यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं। अब इन यूजर्स को आप यूज करना चाहते हैं, लेकिन इन यूजर्स को जो अथॉरिटी है वो आप लिमिटेड करना चाहते हैं, और उसमें एक अथॉरिटी है जो कि है डैशबोर्ड देखने की। जी हाँ दोस्तों, डैशबोर्ड को अगर आप देखें तो आप लोगों को इस डैशबोर्ड पर काफी सारी व्यूज दिखाई दे रहे हैं, काफी सारे अलग अलग व्यूज दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपको एसेट लायबिलिटी और उसके अलावा काफी सारे अलग अलग व्यूज शोर है। लेकिन मैं चाहता हूं कि एसेट लायबिलिटी का जो व्यू है वो मेरे यूजर को ना दिखाई दे, ना उसे उसका एक्सेस अलाउड हो, ना वो उसको किसी तरह से देख पाए। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये कैसे करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों ये फीचर काफी इंटरेस्टिंग है और काफी कमाल का है, आइए चेक करते हैं कैसे होगा ये। उसके लिए आपको प्रेस करना है ऑल्ट के, ऑल्ट के प्रेस करते ही आपको यहां पे मिलेगा ऑप्शन यूजर रोल का। यूजर रोल पर आपको डेटा एंट्री ऑपरेटर मिलेगा और यहां पर जो भी आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर्स होंगे जिनको आपने काम दिया होगा, जैसे आप लोगों के अदर यूजर्स होंगे, उनके लिए आपको ये काम करना है। बेसिकली यहां पर एंटर प्रेस करते हुए आप नीचे की तरफ आएंगे और यहां देखेंगे आप लोगों को डैशबोर्ड का फुल एक्सेस अलाउ कर रखा है आपने यूजर को। तो आपको करना क्या है, आप लोगों ने यहां पर फुल एक्सेस डिस अलाउ कर रखा है, तो आप यहां पर डैशबोर्ड का फुल एक्सेस डिस अलाउ नहीं करेंगे। कोई स्पेसिफिक चीज डिस अलाउ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, यहां पर आप लोगों को लिखना होगा एसेट, और आप देखिए जब आप एसेट लिखेंगे तो यहां पर आपको पर्टिकुलरली दिखाई देगा एसेट लायबिलिटी टाइल, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए और एंड ऑफ लिस्ट करके इसे एक्सेप्ट कर दीजिए। जी हां, और एक्सेप्ट करने के बाद इसे स्क्रीन को भी आप एक्सेप्ट कर दीजिए, ये हो गया। अब इस कंपनी को जब आप दोबारा ओपन करेंगे उस यूजर्स के साथ, तो आप देखिएगा उसमें आपको डैशबोर्ड के अंदर एसेट लायबिलिटी सेक्शन नहीं दिखाई देगा। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कंट्रोल F3 के साथ इस कंपनी को शट कर देते हैं। तो देखिए मैंने यहां पर कंपनी को शट कर दिया और फिर मैं दोबारा से इस कंपनी को ओपन कर रहा हूं, लेकिन इस कंपनी को मैं यूजर के साथ ओपन करूंगा। तो यूजर वाला पासवर्ड मैंने डाल दिया यहां पर, ये लीजिए मैंने यूजर का पासवर्ड डाल दिया है। और अब देखिए दोस्तों यहां पर लिमिटेड चीजें आ रही है जिसमें डैशबोर्ड भी एक फीचर दिखाई दे रहा है, ओके। पर डैशबोर्ड में मैंने सारे फीचर्स को बंद नहीं किया है, मैंने स्पेसिफिकली एक फीचर को बंद किया है। तो एक बार एंटर प्रेस करते हैं डैशबोर्ड पर और आप देखिए यहां पर आप लोगों को क्या दिख रहा है, एसेट लायबिलिटी सेक्शन में एक नया पॉइंट देखने को मिल रहा है, नो एक्सेस अलाउड। जी हां दोस्तों, आप यहां पर एक्सेस अलाउड नहीं कर पा रहे हैं, यानी बेसिकली कहने का मतलब यह है कि आपने पर्टिकुलर सेक्शन डिसअलाउ कर दिया उस यूजर को कि वो अपनी कंपनी के एसेट लायबिलिटीज के बारे में जानकारी ना ले पाए और पर्टिकुलरली इस सेक्शन से रिलेटेड उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और आप समझ गए होंगे, तो ये बेसिकली आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है जानना कि आप इसको इस तरह से चेक करें। अगर आप ऑल जी प्रेस करके बेसिकली आप यहां पर देखना भी चाहेंगे तो देखिए मैं यहां पर लिख भी देता हूं। तो अगर मैं बैलेंस शीट व्यू पर क्लिक करता हूं तो दोस्तों देखिए मेरे को बैलेंस शीट का एक्सेस अलाउड नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर आप लोगों को एसेट लायबिलिटी मिलती है देखने को। तो आप देखिए यहां पर लिखा हुआ भी आ रहा है नो एक्सेस अलाउड ऑफ बैलेंस शीट, ओके। तो ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है, यानी आप किसी पर्टिकुलर यूजर को डैशबोर्ड से रिलेटेड कोई लिमिटेड चीज नहीं दिखाना चाहते, कोई ऐसी चीज आप नहीं दिखाना चाहते, नहीं चाहते कि आपकी कंपनी की एसेट लायबिलिटी उस यूजर को सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर है वो और उसको सारी चीजें शो नहीं करनी है, तो आप डैशबोर्ड के अंदर लिमिटेड एक्सेस भी कर सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, और अगला अगर आप लोगों को ये इंटरेस्टिंग पॉइंट लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए सीखते रहिए गाइड ऑफ मैट।